तो टुडे वी विल बी बिल्डिंग दिस टू डू लिस्ट ऐप. ये जो टू डू लिस्ट ऐप है ये बड़ी बेसिक ऐप है, लेकिन इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्मॉल लिटल न्यूएंसेस जो हमें काफ़ी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी. ठीक है, अब चेक करते हैं ये काम कैसे करती है. तो इस टू डू लिस्ट के अंदर हम तीन चीज़ें कर सकते हैं. एक चीज़ हम लोग यहाँ पर चीज़ें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग इस बटन को क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं. अब देखो कंप्लीट यहाँ पे है तो ये कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये डिलीट हो जाता है क्योंकि हैज जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे. लेकिन अगर मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे अगर मैं हैव लिखूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा. तो ये सिंपल सी टू डू लिस्ट है. ठीक है, जो क्या तीन फंक्शंस करती है, एड, रिमूव और सर्च. सही हो गया. तो वी हैव दिस एम्प्टी डॉक्यूमेंट विद अस जिसके ऊपर हम लोग इसको कोड करेंगे. ठीक है जी, वाटर में ले जाता हूँ. चल, सो सबसे पहले हम लोग विल गेट स्टार्टेड विद द एचटीएमएल टेम्पलेट. और इस एचटीएमएल टेम्पलेट के लिए मैंने बूटस्ट्रैप यूज किया है, और इस फॉन्ट के लिए मैंने एक लाइब्रेरी हम लोग जो ऑलरेडी जिसे फेमिलियर है वो फॉन्ट ऑसम. ठीक है, मैंने वो यूज किया. तो पहले मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे टाइटल डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं अभी लिंक करूंगा बूटस्ट्रैप. और बूटस्ट्रैप के साथ लिंक करूंगा फॉन्ट ऑसम. फॉन्ट ऑसम के साथ लिंक करूंगा हमारी अपनी कस्टम स्टाइल शीट. ठीक है, बूटस्ट्रैप मैं इस वक्त 3.4.3.1 यूज कर रहा हूँ, जिसे आप मेरे ख्याल से आप सारे ऑलरेडी बहुत फेमिलियर हैं क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने यही यूज की थी. तो मैं इसको पकड़ के ये कर देता हूँ. ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉन्ट ऑसम की है, वो भी मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पे, मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ. ठीक है, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की भी ऐड होगी और हमारे पास फॉन्ट ऑसम भी ऐड हो गया, और साथ ही हम लोग अपना जो कस्टम स्टाइल शीट है, ठीक है, उसे भी हम लोग ऐड कर लेंगे. styles.css के नाम से. अब ये हमारे पास जो हम लोगों ने इंपोर्ट करना था हम लोगों ने इंपोर्ट वगैरह कर लिया. ठीक है, अब यहाँ पे एक और काम कर लें क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहा है. यहाँ पे हम लोग स्टाइल्स डॉट सी एस एस बना भी लेते हैं. ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं. ठीक है, एरर खत्म हो जाएगा. और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी जिसका नाम होगा ऐप डॉट जे एस, हम लोग वो भी बना के अपने पास रखेंगे. ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द थ्री फाइल्स इन विच विल बी वर्किंग इन, इंडेक्स, स्टाइल्स एंड ऐप डॉट जे एस. सबसे पहले so let's look at what the structure is. Structure ये है कि आपके पास एक हेडिंग है जिसपे टू डू लिस्ट लिखा हुआ है, उसके बाद आपके पास एक कंटेनर है जिसपे एक इनपुट फॉर्म है, एक लिस्ट है, और हमारे पास एक और इनपुट फॉर्म है जिसके अंदर हम लोग चीजें ऐड कर सकते हैं. सही, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग बूटस्ट्रैप. बूटस्ट्रैप के जो इंटरनल क्लासेस होती है हम वो यूज करेंगे. तो सबसे पहले जो हम लोग क्लास यूज करेंगे वो है जी डिव कंटेनर. ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हम लोग हर चीज लिखेंगे. सबसे पहले हम लोग हेडर डालेंगे, तो हम लोग हेडर क्लास यूज करेंगे जिसको हम लोग इसका टेक्स्ट सेंटर होगा. सही है, टेक्स्ट हम लोग करेंगे लाइट और मार्जिन वाई हम लोग दे देंगे 4. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक ये टू डू लिस्ट होगी और ये सर्च बार होगा. ठीक है, तो हमारे पास H1 की क्लास होगी जिसको हम कहेंगे मार्जिन फ्रॉम द बॉटम, हम लोग इसको दे रहे हैं 4 और यहाँ पे लिख रहे हैं टू डू लिस्ट. ठीक है, और हमारी ये सुन रहे हैं. ठीक है, ये देखें लाइट कलर आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देंगे तो ये विजिबल हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉर्म है
ठीक है, जिसको हम लोग क्लास देंगे क्या, सर्च की। ये हमारी अपनी कस्टम क्लास है और उसके अंदर हम लोग इनपुट टाइप डिफाइन करेंगे जो कि होगी टेक्स्ट, ठीक है, जो होगी टेक्स्ट, ठीक है, जिसका नाम होगा, जिसको जिसके थ्रू हम लोग जावास्क्रिप्ट अंदर यूज करेंगे सर्च प्लेस होल्डर, सर्च और क्लास में हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे फॉर्म कंट्रोल की। ये हमारा हमारे पास इनपुट आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया हमारा हेडर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे टू डू लिस्ट आती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक यूएल क्लास बनाएंगे, ठीक है, जो कि होगी अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल डॉट लिस्ट ग्रुप इसका नाम होगा, टू डूज एम एक्स ऑटो एंड टेक्स्ट डैश लाइन, ठीक है। और यहाँ पे इस यूएल लिस्ट के अंदर अभी फिलहाल हम लोग हार्ड कोड कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ तीन चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास ऑलरेडी टू डू लिस्ट पड़ी हुई है जिसपे हम लोग एक लिस्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग दे रहे हैं नाम लिस्ट ग्रुप आइटम का। दिस इज द क्लास दैट वी विल बी रेफरिंग टू इन जावास्क्रिप्ट, हम लोग जब इसको निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग देंगे डीफ्लेक्स जो कि बूटस्ट्रैप क्लास है, कॉन्टेंट को करेंगे जस्टिफाई बिट जस्टिफाई कॉन्टेंट, ठीक है, बिटवीन और अलाइन आइटम्स कर देंगे हम लोग सारी की सारी। उप्स, अच्छा एक सेकेंड, हाँ अच्छा मेरे ख्याल से बंद हो गया, इसको जल्दी से वो खोल लें। No worries. हाल से मेरी एक्सटेंशन का मसला आ गया है, बंद करके दोबारा कर लें विजुअल स्टूडियो पर। हाँ मुझे लग रहा है वही करना पड़ेगा क्योंकि उसने वो नहीं खोली। चलो ठीक है, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। अच्छा जैसा कि हम कह रहे थे कि हम लोग ओके यहाँ पे अब हम लोग तीन एल आई की क्लास डालेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्लास देंगे लिस्ट ग्रुप आइटम और बूटस्ट्रैप की क्लास देंगे डी फ्लेक्स, जस्टिफाई करेंगे कंटेंट को बिटवीन और अलाइन करेंगे सारी जो आइटम्स हैं वो कर देंगे हम लोग सेंटर, ठीक है। इस एलआई के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास एक स्पैन होगा जो कि हमारी टू डू लिस्ट हो टू डू आइटम होगा और हमारे पास एक आइकन होगा, ठीक है, और उस आइकन की जो क्लास होगी वो होगी एफ ए आर एफ ए क्रैश और डिलीट का, क्योंकि ये होगा। देखें यहाँ पे आपके पास टू डू आइटम भी आ गई और आपके पास यहाँ पे ये बटन भी आइकन भी बन के आ गया। अब इसी को पकड़ के हम लोग दो बार रेप्लिकेट कर लेते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक प्लेस होल्डर टाइप हमारे पास है, इसको हम लोग बाद में मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास हमारी UL क्लास होगी, और फिर इसके मुताबिक हमारे पास एक आखिरी ऐड टू डू भी है, उसको भी हम लोग जल्दी से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्म इसको क्लास हम लोग देंगे ऐड की, और इसका टेक्स्ट होगा सेंटर, और मार्जिन फ्रॉम द टॉप मार्जिन y होगा बल्कि 4, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इसका लेबल ऐड करेंगे, और इसको क्लास देंगे टेक्स्ट लाइट, टेक्स्ट लाइट, और अंदर ऐड कर देंगे ऐड अ न्यू टू डू। इसी तरीके से हम लोग ऊपर जैसे हम लोगों ने इनपुट ऐड किया था, ठीक है, हम लोग इनपुट ऐड करेंगे, टाइप देंगे टेक्स्ट, नेम देंगे इसका ऐड, ताकि जावास्क्रिप्ट से हम लोग उसको कॉल कर सकें, उसको क्लास हम लोग देंगे फॉन्ट कंट्रोल और एम ऑटो, और ये हमारे पास बेसिक HTML डिजाइन इसका बन जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एंड पे स्क्रिप्ट ऐड कर देंगे, जो कि हमारी है app.js, सही है। अब हम लोग चले जाएंगे थोड़ा सा CSS के ऊपर, ताकि इसका कलर डिजाइन वगैरह हम लोग बैक टू नॉर्मल कर दें जो होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास बॉडी टैग आता है, तो बॉडी टैग का जो बैकग्राउंड है हम लोगों ने वो चेंज करना है, और वो लोग हम लोग करेंगे काइंड ऑफ पर्पलिश, ठीक है, जिसका कोड मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है F5P, ठीक है, और आपको अब चीजें नजर आने लग गई हैं, ठीक है। जो हमारे पास कंटेनर है उसकी भी हम लोगों ने, क्योंकि ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, तो इसलिए हम लोगों ने बस मैक्स विथ सेट करनी है, क्योंकि हम नहीं चाहते फैले, तो वील कंट्रोल इट एट 400 pixels, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो इनपुट के अंदर टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, और ये जो आइकॉन आ रहा है इसको हम लोगों ने सही करना है, ठीक है। वो हम लोग कैसे करेंगे, इनपुट हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें हम लोग क्लास को कॉल कर सकते हैं और क्लास की टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट, एक ये हमें चाहिए, और जब हम इसके ऊपर फोकस करें तब भी ये चीज सेम हो, तो हम लोग उसको सूडो क्लास देंगे, फोकस करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कलर इसका ऐड कर देंगे वाइट, सही है। बॉर्डर होगा इसका कुछ भी नहीं, और इसके मुताबिक इसका कलर भी हमारा लाइट पर्पल सा है। बैकग्राउंड हम RGBA यूज करते हैं 0.2, ठीक है, और हम लोग इसको मैक्स वेट भी दे देते हैं, ताकि हम इसको कंट्रोल करते रहें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगला जो है वो हमारे पास आता है टू डूज का, ठीक है, उसकी LI हमारे पास, हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमने ये वाली है, जो हम लोगों ने टू डूज की UL की लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। इसका हम लोग जो बैकग्राउंड है, जो कि असल में इन चीजों का बैकग्राउंड है, तो हम लोग लाइट पर्पल कर देंगे, ठीक है, 42.3 AEF, नहीं क्या है जी, A6F, ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब हमने इसको डिलीट जो है, हम लोग जो डिलीट के ऊपर जाएं तो वो कर्सर कर दे, क्योंकि वी हैव टू शो इट लाइक अ बटन, राइट, सो वो भी बड़ा आसान सा है, ये हम लोगों ने ये भी कर दिया। और फिर ये है, और फिर आखिरी जो है ना वो एक होगी क्लास फिल्टर्ड की, ये हम लोग एंड पे चेक करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक बेसिक चीज बन गई है, अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी इंटरैक्शन वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब तक बड़ा क्लियर होना चाहिए, बड़ा आसान है, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ टफर पार्ट, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विद सबसे आसान वाले के साथ। सबसे आसान वाला हमारे पास ये कि हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे चीज लिखनी है, ठीक है, और उसको हम लोगों ने इस लिस्ट के अंदर अपेंड करवाना है, ये चीज ऐड करवानी है। सो हमारा टास्क नंबर 1 जो है, ठीक है, विल बी इंप्लीमेंट द ऐड, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा ऐड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे। और जब हम इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे ना, ठीक है, हमने कुछ लिखा और एंटर प्रेस किया, तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, और जब सबमिट होगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है।
और इसकी अगर इसको सबसे पहले हम लोगों को क्वेरी सेलेक्टर यूज करके इस चीज को सिलेक्ट करना है, और हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर इसकी क्लास कौन सी है, एड क्लास है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेरी सिलेक्टर यूज करेंगे और हम लोग एड की क्लास यूज कर लेंगे, ठीक है। इस एड की क्लास ने डायरेक्ट अफेक्ट करना है, किसको अफेक्ट करना है, इसको, इसके ऊपर आइटम एड करवानी है, तो हमें इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि एक लिस्ट, और ये हमारी टू डूज लिस्ट है बेसिकली, और ये भी एक क्लास है। तो बेसिकली हम लोगों ने अपनी जो इधर भी खोल लेते हैं, सही है। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग, इधर कॉन्सोल डॉट लॉग करें, ये देखो ये हमारे पास सेलेक्ट होके आ गया फॉर्म, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे लिस्ट, तो ये हमारे पास यहाँ पे लिस्ट भी आ जाएगी, ठीक है, ये पूरी। तो हम लोगों ने जो आइटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो हम लोगों ने सक्सेसफुली पकड़ लिए हैं डॉम के अंदर से, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने एक इवेंट लिसनर ऐड करना है, जो कि क्या लिसन करेगा, इसके सबमिट को, जब हम लोग एंटर दबाएंगे या जब हम सबमिट करेंगे इस फॉर्म को, तब ये चीज काम करेगी, ठीक है। सो ऐड फॉर्म को हम लोगों ने मैनिपुलेट करना है, और ऐड फॉर्म के अंदर हम लोगों ने एक इवेंट लिसनर ऐड करना है, ठीक है, जो लिसन करेगा इवेंट को जब हम लोग सबमिट करेंगे या जब हम एंटर दबाएंगे, ठीक है। और ये एक लेता है कॉल बैक फंक्शन, एंड दैट इज इट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग करके हम लोग चेक कर सकते हैं सबमिट, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जब मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, क्या होता है, चीजें रिफ्रेश करती हैं। तो इसका मतलब जब रिफ्रेश करती हैं, ये सबमिट का एक डिफॉल्ट बिहेवियर है। इसको रोकने के लिए मुझे इवेंट ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, और इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टैप इन करनी पड़ती है, जिसका नाम क्या है, एक स्पेसिफिक मेथड टैप इन करना पड़ता है, जिसका नाम क्या है, इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें हम लोग ई डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे, ताकि ये जो फ्लिकर करता है या जो रिफ्रेश करता है दोबारा, ये ना करें, और हमारे पास ये सबमिट हो गया, ठीक है। सेंस बनती है सबको, चलो। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ऐड करनी है, जो भी इसके अंदर चीज लिखी जाएगी उसकी हम लोगों ने वैल्यू को ऐड करना है इधर इसके अंदर, सही है। तो अब हम लोगों ने इसकी वैल्यू हम लोगों ने लेनी कैसी है, ठीक है, वो तो बड़ा आसान है, ठीक है। ऐड फॉर्म के अंदर ऐड क्लास की हम लोग वैल्यू को आराम से पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, यहाँ पे पहले लिखते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, और हमारे पास है ऐड फॉर्म, जो हमारा फॉर्म है, ठीक है, इसकी ऐड प्रॉपर्टी, ठीक है, चेक करते हैं ये क्या हमारे पास आती है, ऐड के अंदर हम लोग वैल्यू को पकड़ सकते हैं, और ये हमारे पास हेलो आया था, ठीक है, सॉरी यार, यहाँ पे अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना, हमारे पास वो चीज कैप्चर हो रही है, ठीक है, और वो कैप्चर किस तरह हो रही है, ऐड फॉर्म डॉट ऐड डॉट वैल्यू के साथ हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है इसको हम लोग एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेंगे, क्योंकि दिस इज द थिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे अपेंड करवानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये खत्म करके जो टू डू है हमारी, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब अगर एक बंदा यहाँ पे, अब देखना एक चीज नोटिस करना, हमें यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेस डालता हूँ बहुत ज्यादा, और हेलो लिखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग करता हूँ टू डू को, तो मेरे पास कितना क्या आता है, ये स्पेस भी बीच में ऐड कर रहा है, ठीक है, मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है। हो सकता है उससे गलती हो गई हो सकता है उससे मसला शसला हो गया हो, लेकिन ये और इसमें कोई फर्क है नहीं, तो इसलिए जस्ट एज अ साइड केस, ठीक है, मैं यहाँ पे मेक श्योर करूंगा कि बेशक अगर कोई बंदा यहाँ पे स्पेस ऐड कर भी देता है, तो मैं इस स्पेस को अपने टू डू आइटम के अंदर ऐड ना करूँ,
तो मैं जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शन जो हमारा ट्रिम का होता है मैं वो यूज करूंगा, और उससे ये होगा कि इवन इफ आई एड अ लॉट ऑफ स्पेसेस इट वोंट मैटर, ठीक है, मुझे वो सेम रिजल्ट देगा। सबको सेंस बनती है सबको? ठीक है, अच्छा अब हमारा अगला चीज क्या है? अब हमारी अगली चीज ये है कि हमने इस टू डू को पकड़ना है, ठीक है, और इस टू डू को पकड़ के हम लोगों ने इस टू डू जो ये हमारे पास लिस्ट आ रही है इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो इसका सबसे हमारे पास अच्छा हल होता है HTML टेम्पलेट जो हमारे पास लिटरल होता है, उसको हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि हम लोग इसका एक अलग से फंक्शन बनाए, ठीक है, जो कि HTML टेम्पलेट को ऐड कर दे डॉम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट अ फंक्शन दैट क्रिएट्स HTML टेम्पलेट, creates an HTML template that we can add to the DOM. ठीक है, इसका हम लोग नाम देंगे generate template, और ये क्या लेगा? ये लेगा ये to do, ठीक है, इस to do को लेके append इसका क्या create करेगा? HTML template बनाएगा। ठीक है, हम लोगों ने already पढ़ा हुआ है कि वो कैसे करते हैं, वो हम लोग करते हैं यहाँ पे इस चीज के साथ। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? बेसिकली हम लोगों ने ये पूरी की पूरी चीज ऐड करनी है, ये वाली चीज। सिर्फ फर्क किधर आएगा? फर्क आएगा इस चीज के अंदर। ठीक है, ये हम लोगों ने इधर टू डू ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जाकर इसको पेस्ट करूंगा तो हमारे पास ये सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने चेंज क्या चीज करनी है? हम लोगों ने सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, हम लोगों ने यहाँ पे जो टू डू आइटम है ये हम लोगों ने डायनामिक करना है। और हम डायनामिक कैसे करते हैं? हम डॉलर साइन और ये ब्रैकेट्स, और अंदर हम लोग क्या लिख देंगे? टू डू। और इसी फंक्शन के अंदर हम लोग लिस्ट जो हमारी है, ठीक है, ये वाली लिस्ट, ठीक है, इसके अंदर अपेंड करवा देंगे। और वो कैसे अपेंड करवाएंगे? वो भी बड़ा आसान है, इनर HTML प्लस इज इक्वल टू HTML। अब ये क्या करेगा? ये इस लिस्ट के अंदर इनर HTML को पकड़ के, ठीक है, उसमें ये HTML की जो हम लोगों ने नई बनाई है टेम्पलेट उसे अपेंड कर देगा। सही हो गया? तो अब इस फंक्शन को हम लोग अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो कॉल द जेनरेट टेम्पलेट फंक्शन टू एड टू डू इन द लिस्ट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, अब एक और यहाँ पे एज केस है, वो ये है कि अगर यहाँ पे मैं खाली कुछ भी नहीं लिखा हुआ और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, ठीक है, आइडियली इसे कुछ भी नहीं करना चाहिए, सही है, तो हम यहाँ पे मेक श्योर करेंगे हम लोग यहाँ पे अगर, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल के करता हूँ, ठीक है, तो पॉसिबल है कि जब मैं सबमिट करूँ तो ये क्रिएट करें मेरे लिए क्या मसला। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी चीज करूंगा, वो क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा कि क्या टू डू की लेंथ एग्जिस्ट करती है। अगर तो टू डू की लेंथ एग्जिस्ट करती है ना, ठीक है, एम्प्टी नहीं है, नल नहीं है, सही है, तो मैं यहाँ पे जनरेट टेम्पलेट को कॉल करूंगा, वो जो फंक्शन हमें नीचे डिफाइन किया, और इस पर मैं यहाँ पे टू डू पास कर दूंगा, ठीक है, और मैं टू डू पास कर दिया। अब चेक करते हैं, ये देखो अब हमारे पास ये चीज ऐड होती जा रही है, ठीक है, मतलब हमारा ऐड वाला फंक्शन इज वर्किंग। लेकिन इसमें छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, अब मैं जब यहाँ पे ऐड नया टू डू ऐड कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि ये भी खत्म हो जाए, ठीक है, जब मैंने इसको ऐड कर दिया है, तो जब मैंने इसको ऐड कर दिया है तो यहाँ पे ये चीज मेरे लिए रीसेट कर जाए। तो इसी के लिए हम लोग ऐड फॉर्म के अंदर एक इनबिल्ट मेथड है, ठीक है, जिसको जिससे हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे द टू डू फ्रॉम द इनपुट फील्ड, और वो मेथड है रीसेट का, तो वो इस फॉर्म को पकड़ के रीसेट कर देगा इस इनपुट फील्ड को, सॉरी, ऐड फॉर्म डॉट रीसेट। अगर रिफ्रेश हो जाए पीआई, इवेंट डिफॉल्ट खत्म कर दें, उससे भी खत्म हो जाएगा ना। लेकिन खुद सोचो ना, अब आप हर बार, अगर आपके पास अच्छा खासा यहाँ पे डेटा हैवी चीज है, चीजें वगैरह पढ़ी, अब आप हर बार, ठीक है,
पेज को लोड तो नहीं करवाओगे ना, तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. ठीक है, आपने सिर्फ इस चीज को रीसेट करना. अब देखिए, दिस इज इट एंड नाउ वी डोंट हैव दिस एनीमोर. मतलब कि हमारा जो एडिंग वाला हिसाब किताब था, ठीक है. और एक और चीज चेक करना, ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ आइटम, अगर मैं यहाँ पे देखो एक सेकंड, मैं प्रिवेंट डिफॉल्ट खत्म करता हूँ ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई लोकल स्टोरेज ऐड नहीं की हुई. ये मेरे जो टू डू आइटम है ये कहीं पे ऐड नहीं हो रही. तो मैं अगर प्रिवेंट डिफॉल्ट खत्म करता हूँ तो वो क्या कर रहा है, वो आइटम को डिलीट कर रहा है. ठीक है, क्योंकि रिफ्रेश हो रहा है तो वो तो खत्म हो रहा है. एग्जैक्ट. तो यहाँ पे इसलिए प्रिवेंट डिफॉल्ट भी हमारा रिमूव करना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अब हमारे पास ये, हम लोगों ने फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर दिया. हमारे पास जो एड वाला फंक्शन था वो हम लोगों ने बहुत आसानी के साथ, ठीक है, हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया. अब आता है हमारा टास्क नंबर टू, जो के है इम्प्लीमेंट द डिलीट फंक्शन. ठीक है, अब हमारे पास दो रास्ते हैं. ठीक है, अब दो रास्ते हमारे पास. एक रास्ता ये है कि जब जब हम लोग इसको क्लिक करें ना, इस ट्रैश वाले बटन को, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग इवेंट लिस्टर अटैच करें, एक हमारे पास ये ऑप्शन आती है. ठीक है, और ये ऑप्शन के अंदर क्या होगा, इस ऑप्शन के अंदर ये होगा कि हम लोग इवेंट लिस्टर अटैच करेंगे ईच एंड एवरी ऑफ दीज ट्रैश आइकॉन्स. ठीक है, मसला ये भी होगा कि हमें इनको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, कि हमें हर एक ट्रैश आइटम जो नहीं आ रही उसको पकड़ना पड़ेगा, उस पर इवेंट लिस्नर की एक क्लास डालनी पड़ेगी, उसको अटैच करना पड़ेगा. और ये चीज आइडियल नहीं है, सही, बहुत ज्यादा काम होगा. इसलिए हम लोगों ने एक ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा, इसे कहते हैं इवेंट डेलीगेशन. ठीक है, इवेंट डेलीगेशन हम लोगों ने पढ़ा ही इसलिए था ताकि हमें जो मैनुअली ज्यादा काम करने पड़े, इंडिविजुअली टारगेट करें वो ना करें. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेरेंट क्लास को पकड़ेंगे, और इसमें पेरेंट क्लास क्या है, जो यूएल है, यूएल के अंदर उसको पकड़ के हम लोग उसके अंदर एक स्पेसिफिक टारगेट बेस्ड ऑन द क्लास नेम हम लोग क्या करेंगे, उसे टारगेट करेंगे. सेंस बनती है सबको, ताकि हमारे लिए काम क्या हो जाए, आसान हो जाए. अच्छा, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. हम लोगों ने ये चीज इम्प्लीमेंट किधर करनी है, यहाँ हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है लिस्ट के ऊपर, ये जो पूरी टू डूज है. ठीक है, तो हम लोग लिस्ट को पहले पकड़ के ऐड करेंगे इवेंट लिस्ट में. ठीक है, हम लोगों ने किसको लिसन करना है, एक क्लिक इवेंट को लिसन करना है, कि हम लोग यहाँ पे कोई क्लिक होगा तब हम लोग उसे सुनेंगे. और हम चाहते हैं कि कहाँ जहाँ मर्जी क्लिक हो, लेकिन अगर इस टारगेट के ऊपर क्लिक हो ना तो फिर डिलीट करते हो. ठीक है, तो दिस गोइंग टू एक्ट लाइक अ बटन. और आई एम जस्ट थिंकिंग Cursor is going to be a pointer. क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ पे आ नहीं रहा था, अब आ गया, सही हो गया. क्लिक क्या लेता है, एक add event listener takes callback function. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्योंकि submit कर रहे हैं तो हमें एक जो हम लोगों ने submit करना भी है, click करना है, बल्कि इसके लिए तो शायद ये behavior submit वाला default behavior ना हो, लेकिन हमें event class चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इस event के अंदर से target निकालना है. ठीक है, तो पहले हम लोग एक चीज चेक करते हैं, हम लोग पहले चेक करते हैं ई डॉट टारगेट डॉट क्या आती है हमारे पास. ठीक है, ये देखो हमारे पास लिस्ट क्लास आ गई. अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये डिलीट की क्लास आ गई. ठीक है, मतलब बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और ये टारगेट पकड़ना है. ठीक है, इस टारगेट के अंदर क्लास लिस्ट हम लोगों ने पकड़नी है डिलीट की. सो हमारा लॉजिक ये है कि अगर जो टारगेट हमारी है, जो ई डॉट टारगेट है, जिसका वैल्यू को हम लोग जहां पे क्लिक कर रहे हैं, उसके अंदर अगर क्लास कंटेन करती है डिलीट, ठीक है, तो फिर हम लोग इसका जो पेरेंट एलिमेंट है, इसका जो पेरेंट एलिमेंट है, इस टारगेट का जो पेरेंट एलिमेंट है, उसको हम डिलीट कर देंगे. सेंस बनती है. अब यहां पे एक और चीज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट एलिमेंट. और इसका ये देखो हमारे पास ये टारगेट था, ठीक है, और ये लिस्ट क्लास जो थी ये इसका पेरेंट एलिमेंट था. तो हम लोगों ने पूरी लिस्ट क्लास को रिमूव कर दिया. तो हमारा लॉजिक बड़ा सिंपल है, अगर हमारी ई डॉट टारगेट जहां पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं,
ठीक है, उसकी क्लास लिस्ट के अंदर अगर डिलीट है उस क्लास लिस्ट के अंदर, तो फिर e डॉट टारगेट जहां पे है उसका पेरेंट एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव, एंड दैट इज इट, सिंपल। हमने यहाँ पे नई चीज ऐड की, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ पे जहां पे क्लिक कर रहे हैं उसका टारगेट तो देख रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं उसकी टारगेट की, वो चेक करते हैं क्लास लिस्ट कहीं डिलीट है, कहता है हाँ डिलीट है, तो उसके पेरेंट एलिमेंट जो लिस्ट क्लास है ये पूरी की पूरी, उसको पकड़ के रिमूव कर देता है। ठीक है जी, यहाँ तक बात सबको समझ आ गई है, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, नॉट दैट हार्ड एट ऑल, सही है। चलें, अब अगला जो हमारा फंक्शन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं मैं कहूंगा लेकिन ट्रिकी कहूंगा। वो उसने क्या करना, उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करनी है। अब यहाँ पे मैं एक और चीजें ऐड करता हूँ, हेलो, अब यहाँ पे अगर मैं ए ऐड करता हूँ, ठीक है, तो चेक करना यहाँ पे उसने सारी चीजें पकड़ी जहां पे ए है, यहाँ पे कोई ए नहीं है, ठीक है, उसने इसको कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है, देखना जरा यहाँ पे भी कोई ए नहीं है, तो मैंने जैसे यहाँ पे ए लिखा है उसने मुझे वो चीजें शो करवा दी हैं, ठीक है, जहां पे ए एग्जिस्ट करता है, और उन चीजों को हाइड कर दी है जहां पे ए नहीं करता एग्जिस्ट, ठीक है। हम लोगों ने और भी जाके कर सकते हैं, ए, अब मैं अगर ए बी कलेक्टिव लिखता हूँ, ठीक है, ए बी कलेक्टिव लिखता हूँ, नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ए वी कलेक्टिव लिखता हूँ तो ये देखो ए और वी इकट्ठे आ रहे हैं, सही है। अगर मैं ए वी ए लिखता हूँ, नहीं होगा, लेकिन ए वी ई लिखता हूँ तो यहाँ पे ए वी ई एग्जिस्ट करता है, सही है? तो हमारी सर्च जो है वो एक एक लव्स को चेक कर रही है, हम लोग एक एक लव्स चेक कर रहे हैं और चेक कर रही है कि क्या वो लव्स जो नीचे हम लोगों ने, हमारे पास जो लिस्ट आ रही है, क्या उस पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास टास्क नंबर 3 है, इम्प्लीमेंट द सर्च फंक्शन, ठीक है, सही है। अब सर्च फंक्शन के लिए हम लोगों को चाहिए, जी जी सर, कंटेंट्स मेथड का बता दें, ये कंटेंट्स सिर्फ क्लासेस को चेक कर रहा था या पूरे एचटीएमएल को चेक कर रहा था? नहीं 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 नहीं, नहीं। हम लोगों ने एक टारगेट सिलेक्ट किया, ठीक है, इधर देखो ना, अब इसको बंद करते हैं, अभी मैंने इसकी एग्जांपल करवाई थी, ये देखो ई डॉट, हमारे पास कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ई डॉट टारगेट, ठीक है, अब चेक करो कि हमारे पास ई डॉट टारगेट क्या आता है। हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, ई डॉट टारगेट, ये पूरा लिस्ट ग्रुप आ गया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास स्पैन आ गया। मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास आइकॉन आ गया, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी ई डॉट टारगेट से चूज कर रहा हूँ कि मैंने किस एलिमेंट को, किस एलिमेंट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसकी वो मुझे क्या दे देता है, एक पूरा एचटीएमएल टैग निकाल के दे देता है, और उस टैग के थ्रू मैं यूज करता हूँ कि क्या इस टैग की क्लास लिस्ट के अंदर क्या है क्लास लिस्ट, ठीक है, वो मुझे बताता है कि यार इसकी क्लास लिस्ट का ये पूरी टोकन लिस्ट है, इसकी क्लास लिस्ट के अंदर फार है, ये है और डिलीट है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर इसकी, चलो मैं कहता हूँ जबरदस्त हो गया, क्लास लिस्ट के अंदर अगर कंटेन्स है डिलीट, ठीक है, तो मुझे वो बता देगा ट्रू, यस, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसी चीज को मैं पकड़ के डॉट कर उसके पेरेंट एलिमेंट को पकड़ूंगा। अब चेक करते हैं कि इसका पेरेंट एलिमेंट क्या है, ठीक है, अब चेक करना, इसका पेरेंट एलिमेंट है ये पूरी लिस्ट, ठीक है, ये पूरी लिस्ट। अब इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे रिमूव, बड़े लॉजिकल, बड़े बेसिक से लॉजिकल स्टेप्स लिए, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें एक इशू आ सकता है कि अगर हम कहीं भी क्लिक कर लें और उसी क्लास से इसमें अगर कोई डिलीट
पड़ा हुआ है इन केस अगर पड़ा है फिर वो बिल्कुल, इसलिए हम लोगों ने डिलीट ऐड ही किधर किया है, सिर्फ इस आइकॉन के साथ ऐड किया है, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर बाकी अगर किसी और के ना डिलीट होगा तो वो हो जाएगा, लेकिन इसलिए हम लोगों ने सिर्फ जो डिलीट प्लस एसोसिएट किया है वो हमने इस ट्रैश बटन के साथ किया है और किसी के साथ नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, हमने सर्चिंग करनी है, फिल्टरिंग करनी है, ठीक है। ये हम लोगों ने फंक्शन लिखना, सबसे पहले तो हम लोगों ने किस चीज को यूज करके ये सर्चिंग और फिल्टरिंग करनी है, हम लोगों ने इस सर्च इनपुट को यूज करना है, ठीक है। इस सर्च इनपुट की हम लोगों ने क्या क्लास बनाई हुई है, सर्च, ठीक है। और सर्च का हम लोगों ने किस चीज को पकड़ना है, हमने सर्च के इनपुट को यूज करना है, चलो ठीक है। तो हम लोग यहां से const डॉट सर्च डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या चूज करेंगे, डॉट सर्च, और डॉट सर्च के क्लास के अंदर हम लोग क्या, ठीक है, ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली हमारे पास ये, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट टाइप पूरी आ, ठीक है, सर्च के अंदर से। चलो ये तो गुड हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक इवेंट लिसनर अटैच करना है, ठीक है, जो लिसन करेगा की आपको, ठीक है, कि जैसे ही मैं की दबाई है मैं की को छोड़ूंगा, ठीक है, तो वो उस इवेंट को लिसन करेगा कि मैंने यहाँ पे एस दबा के रखा हुआ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं जैसे एस छोड़ूंगा ना, ठीक है, तो ये काम करना चाहिए। ओहो सॉरी, इस पे नहीं, इस पे क्या करना, मैंने एस दबाया हुआ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं जैसे एस छोड़ा, ठीक है, उसने मेरी की अप की इवेंट को लिसन किया और उसने मुझे यहाँ पे फिल्टर करके दे दिया, तो मैं यहाँ पे भी एक सिमिलर चीज करूंगा। तो मैं सर्च के ऊपर एक इवेंट लिसनर अटैच करूंगा जो लिसन करेगा मेरे की अप इवेंट को, ठीक है, और क्या लेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है। और वो कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, वो कॉल बैक फंक्शन पहले इस टर्म को पकड़ेगा, ठीक है, कि असल में इस टर्म के अंदर हम लोग लिख क्या रहे हैं, इसकी वैल्यू पकड़ेगा कि अंदर में हम एस लिख रहे हैं या ए लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर ये चीज ऐड की थी, इसी तरीके से हम लोग नीचे भी यही चीज को हम लोग ऐड करेंगे, जो कि है सर्च टर्म। ये होगी हमारी सर्च की वैल्यू, ठीक है, और सर्च की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम कर लेंगे, ताकि ये ना हो कि कोई ऐसे स्पेस पे डाल के ऐसे डाल रहा तो नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, तो हम लोग इसको ट्रिम कर लेंगे। और एक और चीज इसका केस है, वो ये है कि अब मैं जो सर्च करना चाह रहा हूँ, मेरे पास टू डू आइटम यहाँ पे ना, मेरे पास अब कैपिटल सी भी है, छोटा सी भी है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मैंने कैपिटल सी के साथ किया था या स्मॉल सी के साथ किया था, ठीक है। तो अगर मैं बेशक मैं कैपिटल सी लिखता हूँ, मेरे पास हर तरह का सी आ गया, क्यों भला, क्योंकि ये इस कैपिटल सी को हर चीज को स्टैंडर्डाइज कर रहा है, ये हर चीज को पकड़ के लोअर केस कर रहा है। इसी तरह इसी तरीके से जब मैं सर्च आइटम्स भी फिगर आउट करूंगा कि सर्च आइटम्स क्या हैं, तो इनको भी मैं सबको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर लूंगा, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने ट्रिम करने के बाद मैं इसको टू लोअर केस कर दूंगा और ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब ये टर्म को लेके हम लोगों ने चेक करना है कि क्या ये टर्म जो है इस चीज के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर करती है तो उस आइटम को शो करा दो, अगर नहीं करती तो उस आइटम को ना शो कर। तो ये भी हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोगों ने ऊपर एक अलग से फंक्शन डिफाइन किया था, हम लोग नीचे भी एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। और वो फंक्शन का काम क्या होगा, फंक्शन का काम ये होगा कि इट टेक्स द टर्म एंड मैचेस विद द टू आइटम्स, ठीक है, यहां से हम ये निकाल के देगा। तो इस फंक्शन को हम लोग नाम देंगे फिल्टर्ड टू डूज, ठीक है, क्योंकि ये फिल्टर हो गया हमारे पास, और ये हमारे से लेंगे एक टर्म, ठीक है, और ये हमारे पास एक एरो फंक्शन बन गया। अच्छा, अब हमें यहां पे हमारे पास ये लिस्ट है,
जो हम लोगों ने ऊपर डॉम के साथ पकड़ी हुई है, ठीक है, ये लिस्ट टू डूज की, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं ये फिल्टर टू डूज को कॉल भी कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, अब ये उसने मुझे निकाल के दे दी, लिस्ट निकाल के दे दी, ठीक है, ये सारी। इस लिस्ट के हमारे पास अंदर आ गए चिल्ड्रन, ठीक है, ये लिस्ट आ गई हमारे पास। अब हम इसके टेस्ट चेक करेंगे कि इसके चिल्ड्रन कौन से हैं। जब यहाँ पे हमने लिखा, हमारे पास ये ग्रुप HTML कलेक्शन आ गई, ठीक है, जिसने हमें सारा बता दिया कि इसके अंदर कौन कौन से क्या हैं, आइटम्स हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इसके चिल्ड्रन है। अब ये तो है HTML कलेक्शन, अगर अब हम लोगों ने चेक करना हो, ठीक है, कि इस HTML कलेक्शन के अंदर हम लोगों ने फोर लूप लगाना हो, तो हम क्या लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, ठीक है। और हमें इस हर हमारे इस चिल्ड्रन के अंदर हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए, वो प्रॉपर्टी क्या है भला, कोई बता सकता है? वैल्यूज क्लोज इनर एचटीएमएल, नहीं क्लोज इनर टेक्स्ट, हमें क्या चाहिए, ये टेक्स्ट कंटेंट, यस बिल्कुल, ठीक है। हमें जब ये चीज आएगी, अभी देखो हम लोग करते हैं console.log, जब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा एस, तो हमारे पास, अच्छा ये तो खैर उसकी तो नहीं आएगी, क्यों भला, क्योंकि ये हमें चाहिए, मैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखो हमारे पास टू डू आइटम नंबर वन आ गई, ठीक है। और तुम चेक कर रहे हो कि यहाँ पे ये अच्छा खासा गैप भी आ रहा है, ठीक है, तो देखो हमारे पास टू डू आइटम वगैरह सारा कुछ आ गया, ठीक है, टू डू आइटम नंबर टू आ गई। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हम लोगों ने इस लिस्ट को, ठीक है, इस HTML कलेक्शन पे लूप करना है, आइट्रेट करना है, आइट्रेट के अंदर जाके हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास जो ये वैल्यू है टर्म की जो हम लोग लिख रहे हैं, क्या ये उसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। अगर वो चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास के ऊपर हम लोग उसी चीज को जो हमारी टू डू की, जो हमारी टू डू की आइटम है, ठीक है, उसके अंदर हम एक क्लास ऐड कर देंगे जिसका नाम होगा फिल्टर्ड, ठीक है। अब हम लोग जरा वापस अपने स्टाइलिंग पे जाएंगे, क्योंकि याद है मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने फिल्टर्ड शुरू के अंदर बंद किया हुआ था, कुछ नहीं लिखा था हमने। तो हम एक क्लास बनाएंगे फिल्टर्ड के नाम से, ठीक है, जो क्या करेगा, जो कि जिसको हम लोग ये देंगे ना क्लास, वो चीज गायब हो जाएगी, ठीक है, उसका हम लोग डिस्प्ले नन कर देंगे, ये चीज फिल्टर आउट हो गई, ठीक है, और इसको हम लोग कर देंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर वो चीज हमारे पास एग्जिस्ट करती है, ठीक है, अगर वो चीज हमारे पास नहीं करती एग्जिस्ट, सॉरी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको उसी चीज को फिल्टर्ड कर देंगे, ठीक है। तो उसका डिस्प्ले, इस चीज का जो डिस्प्ले होगा हमारे पास, वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान लॉजिक है, ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। पहले हमें HTML कलेक्शन को कन्वर्ट करना है अरे के अंदर, ठीक है, वो तो बड़ा आसान है, अरे डॉट फ्रॉम, और लिस्ट हमारे पास HTML कलेक्शन की लिस्ट क्या थी, लिस्ट डॉट चिल्ड्रन, ठीक है। इसके अंदर हम एक मेथड लगाएंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, हम लोगों ने अरे मेथड पढ़े थे ना, कौन सा मेथड लगाएंगे इसमें से, मैप भी नहीं करना, यस फिल्टर मेथड, बिल्कुल ठीक है। फिल्टर मेथड लेता है एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, जो कुछ करता है, सही है। इस फिल्टर फंक्शन के अंदर हम लोग देंगे पास क्या करवाएंगे, टू डू, टू डू हमारे पास क्या है, टू डू हमारे पास इधर क्या, टू डू हमारे पास यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे कॉल किया वो,
ठीक है, हाँ ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन टू डू पकड़ेंगे, ठीक है, और टू डू असल में क्या आ रही है हमारे पास, इसकी पहली वैल्यू आ रही है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर टू डू पे हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर तो क्या आइटम एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। इसको हम लोग एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं आसान बनाने के लिए, ठीक है। वो क्या लिखेंगे कि अगर इफ टू डू डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट हम लोग पकड़ लिया, ठीक है, डॉट हमने हर चीज को कर दिया कंपेयर आसान करने के लिए टू लोअर केस, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था लोअर केस किया था, ठीक है, तो हम यहां पे भी लोअर केस कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास कंपैरिजन। अब हमारे पास ये टर्म आ गई, सर्च टर्म क्या है, अब हम चेक करेंगे कि इंक्लूड्स है या नहीं है, क्या इंक्लूड नहीं है ये टर्म, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग फिल्टर तब करेंगे, हम लोग टू डू पास करेंगे, लेकिन अगर टू डू के अंदर ये टर्म नहीं होगी, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे, ठीक है, और टू डू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्लास लिस्ट के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे कौन सी क्लास, फिल्टर की क्लास, ठीक है। अब हम इसको जरा टेस्ट करते हैं, ठीक है, ये देखो हम लोगों ने ए लिखा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब आपने एक चीज नोटिस की कि जब मैं वापस रिफ्रेश करते हुए चीज नोटिस करना, यहाँ पे ए कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, तो मैंने जब ए सर्च किया तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन जब मैंने बैक स्पेस दबाया तभी मेरे पास कुछ नहीं आया, तो असल में इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर चले जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे सी दबाता हूँ एक्स दबाता हूँ मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन जब मैं बैक स्पेस जाता हूँ मेरे पास पूरी टू डू लिस्ट आ जाती है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया है वैसे हम लोग एक चीज इसका इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, वो हम ये कहेंगे कि जी आप फिल्टर करो टू डू के अंदर, अगर वो आइटम एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, अगर टू डू डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट डॉट टू लोअर केस डॉट इंक्लूड करती है टर्म, तो फिर आप क्या करो, आप फॉर ईच मेथड लगाओ दोबारा से उस टू डू के ऊपर, ठीक है, और उसके ऊपर अब इधर आपने फिल्टर क्लास एड लगाई है, आप उस फिल्टर क्लास को रिमूव कर दो, ठीक है। रिमूव यहाँ पे आएगा फिल्टर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब अब हम लोग ट्राई करेंगे ए लिख के और हम जब बैक जाएंगे, ठीक है, ओहो इंटरेस्टिंग, हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि हम लोग यहाँ पे क्या हुआ सर, इफ कंडीशन आपने लगाई है ऊपर ना, नहीं नहीं इफ कंडीशन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए था, एक सेकंड, हाँ सॉरी, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर टू डूज एक टर्म लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये टर्म यहाँ पे ऐड कर दी। चलो अब हम लोगों ने जब यहाँ पे ए लिखा और बैक दबाया ये वापस चला गया, ये वापस क्यों जा रहा है, अच्छा हम लोगों ने ए दबाया उसने किया फिल्टर, ठीक है, उसने यहाँ पे फिल्टर किया कि यार यहाँ पे तो ए है ही नहीं, जब यहाँ पे ए है ही नहीं तो मैं यहाँ पे उस क्लास को उस टू डू की क्लास को मैं फिल्टर ऐड कर दूंगा, ठीक है, लेकिन जब हमने बैक स्पेस दबाया तो वो अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर चला गया, वो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो फिर उसने क्या किया कि टू डू कि आइटम के टेक्स्ट कंटेंट के अंदर उसे चेक किया कि इंक्लूड आइटम करता है, तो फिर उसने जो अगर उस टू डू को हम लोगों ने क्लास दी हुई है फिल्टर की, ठीक है, तो वो क्लास उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि ये चीज उसको क्लास दे देगा, ठीक है, यहाँ पर जो हमने ए लिखा है ना तो इसने हर चीज को फिल्टर की क्लास दे दी, क्लास फिल्टर की, ठीक है,
और फिर ये चीज हमने बैग्स पे दोबारा ये फिर चीज चेक करती है कि क्या अगर बैग्स अगर हम लोगों ने ठीक है उसी चीज को क्लास ऑलरेडी दे दी हुई है तो फिर आप दोबारा उसको फिल्टर करके और वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि हम सर्च कुछ नहीं कर रहे तो आप उसको रिमूव कर दो सेंस बनती और हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव कर दिया सो एक चीज हमारी फिल्टर्ड क्लास ऐड कर रही है और साथ ही हमारी की स्ट्रोक के साथ ठीक है वो चीज हमारी क्या कर रही है उस क्लास को रिमूव भी कर ठीक है अब चेक करते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं ई ई हर किसी के अंदर है लेकिन ई ए किसी के अंदर नहीं है तो हम लोग क्या जब ई ए से वापस जाएंगे तो वो चेक करेगा हाँ ई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ठीक है और जहां पे नहीं करता वो उसको फिल्टर उसको हटा देगा सो बेसिकली ये आपकी सिंपल सी टू डू लिस्ट की एक एप्लीकेशन बन गई जो यहाँ पे सर्च ऐड करवाती है डिलीट करवाती है और यहाँ पे सर्च करवाती है क्लियर है जी सबको बात और यहाँ पे हमने फिल्टर्ड टू डूज को हम लोगों ने कॉल किया था तो यहाँ पे हम लोगों ने जो अब टर्म है जो असेंबली टर्म हमने चेक करनी है जिसके साथ वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दी तो ये फंक्शन हमारे कंप्लीटली कंट्रोल के अंदर आ गया ठीक है आई थिंक दिस इज अ वेरी ये बड़ा बेसिक सा प्रोजेक्ट है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है क्योंकि आप इसमें काफी चीजें हैं जो बेसिक सी आपकी HTML JavaScript की डॉम मैनिपुलेशन के हिसाब से होती है वो आप सीखते हो प्लस यहाँ पे चेक करो कि हमने मल्टीपल डिफरेंट क्या कहते हैं अरे मेथड्स को चेन वगैरह हम लोगों ने मेथड चेनिंग वगैरह की है तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसको इसको हम लोग अच्छा खासा चीज यूज कर सकते सीख सकते ठीक है जी सर एक सवाल है ये सर्च बार में जो अगर कुछ भी नहीं लिखा तो जो टर्म है वो क्या अनडिफाइंड है क्या है सर्च की क्या हो सकता है मेरे तो ख्याल से अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो ठीक है मतलब वो कुछ भी सर्च नहीं कर रहा तो मतलब आपके पास हर आइटम आ रही है इसका मतलब वो कह रहा है कि वो इंक्लूड करती होगी ठीक है या इंक्लूड करती होगी या जो इंक्लूड या जो टर्म एम्प्टी है ना ठीक है तो जब टर्म एम्प्टी है तो इट डजंट रियली मैटर दैट मच तो कुछ काम ही नहीं करेगा I think जब टर्म एम्प्टी होती है तब वो अनडिफाइंड वैल्यू रिटर्न होती है चेक कर लो ना सर कैलकुलेटर बनाया था तो उसमें ये सीन था ठीक है जबरदस्त हाँ जी एम्प्टीयर डाली है अब तक वो प्रूव नहीं हुई देखो हम लोगों ने वन कर दिया ठीक है यहाँ पे एम्प्टी आ गया कुछ भी नहीं है ना अनडिफाइंड है ना नल है सर एम्प्टी को कंपेयर कर रहे हैं एक आप एक काम कर लो ना यार एक और काम कर लो स्ट्रिंग ये भी एक स्ट्रिंग है मुझे जो इसमें समझ आई है ना कि एम्प्टी तो असिस्ट करता ही करता है ना हाँ इसका कुछ है नहीं ना किसी के साथ कंपेयर ही कुछ नहीं कर रहा हम स्ट्रिंग को भी तो कंपेयर करके देखते हैं ना कि अगर स्ट्रिंग इक्वल टू डबल कोटेशंस लगा के चेक करते हैं कि वो खाली हो तो वो उसी चीज को चेक कर रहा होगा हाँ कि एम्प्टी है या नहीं है तो जब एम्प्टी नहीं है तो हमें हाँ. फिल्टर क्लास लगाने की जरूरत ही नहीं करने की जरूरत ही नहीं जी वो फिर सब में से फिल्टर क्लास रिमूव कर देता होगा नहीं आपके पास एक और एप्लीकेशन बन गई है छोटी सी ठीक है एक और प्रोजेक्ट बन गया है ठीक है मजे का प्रोजेक्ट है ये सही है अब इसके अब मजे की बात है अब इसके ऊपर हम लोग इसको बड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं ठीक है हम लोग इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि अगली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़नी है जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट और टाइम ठीक है उसके बाद हम लोगों ने पढ़नी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट और हमारी एक वेदर की एप्लीकेशन बनेगी जिसके ऊपर हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों ने API कॉल कैसे करनी है
डेटा कैसे पिकअप करने और एक हम लोगों ने एक वेदर वाली एप्लीकेशन कैसे बनानी, ठीक है। तो उस डेट और टाइम को मैनिपुलेट करके यहाँ पे आप टाइमर्स ऐड कर सकते हो कि मेरा ये जो काम है, ये काम का मैंने टाइम लगाया 25 मिनट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इधर एक और बटन बना सकता हूँ प्ले का, जब उसको मैं क्लिक करूँ मेरा 25 मिनट का टाइमर ऑन हो जाए। तो जब टाइमर खत्म हो वो ऑटोमेटिक तुमसे पूछ ले कि यार ये आपका खत्म हुआ है टास्क या नहीं खत्म हुआ। अगर खत्म हो गया है तो आप ओके करें, वो उसको क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ कर देगा कंप्लीट करने की, सही है। जब उसको कंप्लीट करने की लाइन ड्रॉ कर देगा आपको पता लगेगा ये मैंने काम कर लिया। तो इसको आप और तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, टाइमर लगा सकते हो, पीछे म्यूजिक ऐड कर सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर सकते हो। इसको डिलीट करने के सिवाय जब आपकी ये चीज कंप्लीट हो गई है तो अब आप यहाँ पे एक कंप्लीट का बटन दबाओ तो यहाँ पे एक लाइन बन के आ जाए इसके ऊपर। ये चीज ट्राई करना, मेरे ख्याल से ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। वो चीज क्या होगी भला, वो चीज ये होगी कि अगर आप यहाँ पे एक और आइकॉन ऐड करो, ठीक है, बल्कि ये आप ना टास्क करना, एड अनदर, ये टास्क नंबर 4, ठीक है, एड अनदर आइकॉन राइट नेक्स्ट टू द डिलीट आइकॉन, ठीक है, और इंप्लीमेंट अ फंक्शन, ठीक है, that takes the complete icon, हाँ हम लोग दे देंगे complete icon and adds a click event listener, ठीक है। और ये जो event listener होगा ये क्या करेगा, ये करेगा कि आपने जो अगर कर दिया है, ठीक है, तो जो background color है, ठीक है, उसको ये कर देगा डल, स्ट्राइक थ्रू कर देगा लाइन, ठीक है। और आप एक और काम कर सकते हो, आप एक नीचे एक और कंटेनर बना सकते हो, इसपे आपने लिखा कंप्लीटेड टास्क, ठीक है, वो इसको यहां से उठा के एड टू द कंप्लीटेड टास्क कर देगा। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ ना आपको कि आप यहाँ पे टिक ऐड कर दो या आप इसको पकड़ के स्ट्राइक करके आप इसको एक नई क्लास के अंदर ऐड करवा दो कंप्लीटेड टास्क के अंदर। लेकिन फिर आपको वापस कंप्लीटेड टास्क में जाना पड़ेगा, ठीक है, चेक करने के लिए कि यार अगर ये मैंने कंप्लीट नहीं किया तो आप उसको जब दोबारा वापस क्लिक करो ना कि कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस, तो फिर वो वापस यहाँ पे आ जाए। तो इसको आप बहुत तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे लोग बहुत कम लोग ये चीज़ें यूज करते हैं अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाने के लिए, ठीक है, तो बाकी अगर इस तरह की ऐप हो पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है, जो उनकी हेल्प करे काम ज्यादा बेहतर कराने से, ठीक है, उनको फोकस रखने में, तो बड़ा मजा है यूज करने में, समझ आ रही है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे कि मैं एक ऐप यूज करता हूँ, ठीक है, इसका नाम है फोकस टू डू, ठीक है, वो है ये वाली, ठीक है। अब ये ऐप भी एक टू डू लिस्ट ऐप है, ठीक है, लेकिन इसके मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है, और मुझे बड़ी पसंद है ये ऐप। ये ऐप क्या करती है जी, सेम बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, टास्क ऐड कर दिया, टास्क 1, टास्क 2, और यहाँ पे उसने आपको बटन दे दिया, या तो आप स्टार्ट कर लो, ठीक है, जब आप यहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाओगे ना तो यहाँ पे ये टाइमर खोल देगा जो 25 मिनट का, ठीक है, वो टाइमर होता रहेगा, ठीक है, टाइमर को आप पॉज कर सकते हो, बंद कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया टास्क तो आप इसको ये साइड पे क्लिक करोगे और ये इधर से खत्म होके कंप्लीटेड टास्क करने चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है शो कंप्लीटेड टास्क, यहाँ पे देखो ये टास्क आ गया, ठीक है। अगर आपने कहा कि मैंने टास्क नहीं किया तो आपने दोबारा क्लिक किया, ये वापस आ गया, चेक किया, देख रहे हो कि कितना, ये भी कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उन्होंने अच्छा सा बनाया है, लोगों को मार्केट अच्छा किया है, ठीक है, और मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग इट, ठीक है। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप इसको पकड़ो, ठीक है, इसको इम्प्रूव करो, तो देखो और इसको ऐसे इम्प्रूव करो कि आप लोग खुद अपनी जिंदगी के अंदर यूज करो। अगर आप खुद यूज करके उस अपनी ऐप से फायदा उठा रहे हो ना तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी, वो भी फायदा उठाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? सर हम लोगों का ये काम स्टैटिक होगा तो हम इसको डायनेमिक किस तरह से करेंगे, क्या मतलब स्टैटिक होगा?
लोकल, अभी हम लोग जाके आगे लोकल स्टोरेज पढ़ेंगे। हम लोग अगर इसको डिप्लॉय करते हैं, हमारी आइटम्स कहीं पे सेव तो नहीं है ना? ओके सर, अभी नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही सेव, ठीक है। और ये बात की बात है, पहले आप अपने लोकल कंप्यूटर पे इसको टेस्ट करो, ठीक है, लोकल स्टोरेज डाल के, ठीक है। अगर नहीं आती डालने, हम आगे जाके सीख लेंगे कैसे डालनी है लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज आप डाल सकते हो, अगर लोकल स्टोरेज नहीं डालें तो कोई मसला नहीं है, आगे जाके हम लोग एपीआई सीखेंगे। आप सर मुदस्सिर से आप पाइथन के बैकएंड कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि आपने तो बेसिकली आइटम सेव करवानी है ना, ठीक है। फंक्शनैलिटी तो सेम होगी, बैकएंड बहुत सिंपल है इसका। बैकएंड में तो सिर्फ आपने डेटा बेसिस डिफाइन करवा के डेटा सेव करवाना है और डेटा पुल करवाना है और डेटा इंटरैक्ट कैसे करेगा, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। सर हम इसकी जो बैकएंड लैंग्वेज है वो हम लोग ये डिजेंगो को यूज करेंगे, पाइथन डिजेंगो। हाँ, पाइथन डिजेंगो को यूज करेंगे, जिस तरह हम पीएचपी और माइएसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं। यस, हाँ सर, मुदस्सिर के हिसाब से क्योंकि पाइथन इज अ ग्रोइंग लैंग्वेज, इस वक्त की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।